गाइस फाइनली मैंने भी परचेस कर लिया है ये वाला मेकअप प्रैक्टिस करने वाला आई बोर्ड और इससे मैंने लुक क्रिएट किया है। फुल डिटेल्स में देखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये वीडियो को स्टार्ट करते ये रहा बाहर का पैकेजिंग और मुझे ऐसे ही प्रोडक्ट रिसीव हुआ था तो इसको ओपन कर लेते हैं। कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और ये रहा अंदर सिलिकॉन बेस आई मार्क्स या फिर आई बोर्ड भी आप कह सकते हैं, जो आई मेकअप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। उसके साथ एक लोशन दिया गया है या फिर मेकअप रिमूवर भी बोल सकते हैं। और इसके डिटेल्स में बता देती हूँ, इसके टच करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मैट वेलवेटी टेक्सचर आता है, बहुत शाइन है। आप देख सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये प्लास्टिक से बना है तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा प्लास्टिक है और ये जो वाइट पोर्शन है वो आई के लिए दिया गया है, वो प्लास्टिक का है। इसमें दो लेयर है, एक नीचे वाला लेयर प्लास्टिक का है, ऊपर वाला सिलिकॉन, जो बहुत ही हद तक आपको स्किन लाइक फिनिश देगा। छोटे छोटे पोर्स भी है इस पे, जिससे इसका जो टेक्सचर है वेलवेट टाइप का हो जाता है। और यहाँ पे आपका आईब्रो का एक स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि आपको समझ में आए कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेम आईब्रो के लिए आईब्रो परमिट लिया है ब्राउन कलर का। और मैं भी फर्स्ट इस पर ट्राई कर रही हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि प्रोडक्ट तो ख़रीद लिया है बट कैसे मतलब यूज़ करना है। और अच्छे से मैंने इस पर अप्लाई किया है, मैंने बहुतों का वीडियो देखा था ऐसे ही, और मैं हाथ पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ तो सेम वैसे ही वे में मैं यहाँ पे कर रही हूँ, छोटे छोटे स्टॉक लेके। बट कम प्रोडक्ट लिया था मैंने तो इसलिए बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ रहा था, तो मैंने फाइनली थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट ले लिया है और इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ। तो हाँ, अभी अच्छे से आ रहा है। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक लेना है, इससे क्या होता है आईब्रो का, मैं बुशी आईब्रो मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही मतलब मेकअप के टाइम पे। आप आपके पसंदीदा कर सकते हैं, आपको जो जैसा अच्छा लगे, आप इससे बहुत ही क्रिएटिव कर सकते हैं आपके काम के ऊपर, मतलब आप कैसे काम करना पसंद करते हैं उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स हो, ये थोड़ा कॉस्टली है, अराउंड 1500 समथिंग इसका प्राइस हो गया। आप अगर सेलर से लेते हो तो थोड़ा ज़्यादा भी पड़ सकता है, तो उसी सब से देखा जाए थोड़ा कॉस्टली है बिगिनर्स के लिए। बट आप अगर एक बार लेते हो तो आपको, मुझे तो लगता है कि फ़ायदा होगा ही, क्योंकि आप आई मेकअप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। अभी तक जो मैं कर रही हूँ उसको फाइनली आउट्रो हो गया है, आप देख सकते हैं आईब्रो एक साइड का। सेम ही मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट लेके दूसरे साइड का भी आईब्रो ड्रॉ करने आ गई, और मुझे उस साइड पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ड्रॉ करने पे, और इस साइड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा बहुतों के साथ होता है कि उन लोगों को एक साइड अच्छे से हो जाता है और एक साइड पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो मुझे भी इस साइड पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। साइड पे जब कर रही थी तो देखो वो साइड पे आपका राउंड हो गया इस साइड वाला, तो उसको ही ठीक करने लगी थी मैं। और प्रोडक्ट आपको कम नहीं लेना है, प्रोडक्ट आपको ज़्यादा ज़्यादा लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब फर्स्ट टाइम, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं कम कम प्रोडक्ट ले रही थी, बट कम कम प्रोडक्ट लेने पे इस पे अप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा था। आपको कैमरा पे जो थोड़ा बहुत पिगमेंट दिख रहा होगा, बट मुझे सामने से उतना पिगमेंट नहीं मिल रहा था, तो मैं बार बार री अप्लाई कर रही थी प्रोडक्ट को लेकर। आप भी ऐसे करेंगे तो अच्छे से वो लुक आप जैसा चाहते हैं आई होप कि आ जाए। और इस पर एक अच्छा था कि मुझे लगा था कि प्रोडक्ट इस पे बैठेगा या फिर निकल आएगा, तो ऐसा नहीं हो रहा था। प्रोडक्ट कुछ टाइम बाद इस पे ही मतलब आ रहा था प्रोडक्ट, तो मैं सेम जैसे हाथों पे करती हूँ आईब्रो को ड्रॉ करती हूँ आईलाइनर से। आप कोई भी ब्लैक आईलाइनर से कर सकते हैं, इससे क्या होता है आईब्रो का लुक फ़ोटो खींचते टाइम बहुत अच्छा आता है, नेचुरल लुक कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम दूसरे साइड पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट इसको थोड़ा मुझे क्लीन करना होगा क्योंकि ये वाला साइड उतना अच्छा अभी नहीं दिख रहा। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं, और उसके लिए मैंने कंसीलर ले लिया है, फॉरएवर 52 का है क्रीम कंसीलर। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं।
कट कर रही हूँ। और मैंने जो कॉन्सीलर शेड लिया है एकदम मैच हो गया था जो डमी बोल सकते हैं या फिर जो आई मार्क्स है वो सिलिकॉन बेस के सेम एग्जैक्ट कलर पे आ गया था, तो मैं उसी से ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। और शेड थोड़ा लाइट शेड ही लिया है कलर के हिसाब से और बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो रहा था और ऐसा नहीं कि स्लिपरी हो रहा था कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बहुत ही अच्छे से हो रहा। बट साइड के ऊपर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था अप्लाई करने पे, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रही थी तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, मुझे जो जो प्रॉब्लम हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपको भी सेम ही प्रॉब्लम हो, या फिर मुझे जो प्रॉब्लम नहीं हुआ है आपको वो प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितना प्रॉब्लम मुझे होगा फेस करना पड़ेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सेम उसी तरह मैं दूसरे आईब्रो को भी अच्छे से कट या फिर डिफाइन कर लूँगी ताकि वो फ़ोटो पे या फिर उसका लुक अच्छे से आए। मुझे इस बात का खुशी था कि कॉन्सीलर जो हम ऐसे ही स्किन पे अप्लाई करते हैं, आई पे अप्लाई करते हैं आई मेकअप से पहले, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो रहा था और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे दो आई शेडो पैलेट ले रही हूँ कलर के लिए, एक है कार्निवल और दूसरा है डिलेंसी का पैलेट। कि दोनों का ही पिगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि ऐसा ना हो कि आप लोग बोलो कि पैलेट ही अच्छा नहीं था इसलिए कलर नहीं आया। तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ वो था वेगा का सिंथेटिक ब्रश, इसलिए मैंने नेक्स्ट ब्रश ले लिया है बेली का जो नेचुरल है थोड़ा, और जिससे आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और कलर भी बहुत अच्छे से पिक करता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा था, मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो है कि कलर में बार बार मुझे पिक करना पड़ रहा था और कलर ज़्यादा ज़्यादा करके देना पड़ रहा था, तब जाके थोड़ा कलर आ रहा है। बट बहुत बार लेने के बाद कलर आ गया था। नेक्स्ट मैं पर्पल कलर ले रही हूँ, पहले मैंने पिंक कलर लिया है और अभी पर्पल ले रही हूँ। और दोनों पे ही मुझे बार बार, एक दो तीन बार नहीं, मुझे 6 से 7 बार कलर लेके फिर उसको ब्लेंड करना पड़ रहा था ताकि एग्जैक्ट जो कलर मैं चाह रही हूँ वो आ जाए। नेक्स्ट मैंने ब्लू कलर लिया है और आपके कलर के हिसाब से आईब्रो सॉरी आई मेकअप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा अपने आप से कर रही थी तो मैंने आखिर में ब्लू कलर लिया है। और मैंने एटलीस्ट 10 से 12 बार कलर लेके मैंने ये वाला पिगमेंट जो है वो आया है और मैं इसको वाइट से ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब वाइट आई शेडो से कार्निवल पैलेट से लेकर ब्लेंड कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आई मेकअप पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था, बट हाँ एग्जैक्ट जितना ब्लेंड होना चाहिए इतना हो रहा था। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्किन लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेम नीचे में सेम ही कलर को लेके ही ब्लू पर्पल और पिंक को लेके नीचे पे मैं कर रही हूँ स्मॉल ब्रश की मदद से, और बहुत ही अच्छा आ रहा था ये जो लुक। और नेक्स्ट मैंने एक शिमर लिया है और कॉर्नर पे मैं ब्लू के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। तो ये रहा ऑल ओवर आई मेकअप का कलर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ। आप चाहे तो अपने लुक्स पे आईलाइनर लगा सकते हैं, नहीं बट मुझे देखना था इसके ऊपर लिक्विड प्रोडक्ट भी कितने अच्छे से जाता है। बट एक्चुअली बहुत ही अच्छे से हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि वो थोड़ा ओवल टाइप का था तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट एक्चुअली बहुत अच्छे से उस पर मतलब ड्रॉ हो रहा था, नीचे थोड़ा गैप था तो मैं उसे फिल कर रही हूँ। आप भी कर लेना वरना फ़ोटो पे अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ आईलाइनर लगाते टाइम आँखों के अंदर जो है वहाँ पे लग गया था आईलाइनर, तो मैं उसे ही मिसलर वाटर और ब्रश की मदद से क्लीन कर रही हूँ और बहुत ही ईजिली क्लीन हो रहा था। नेक्स्ट मुझे आईलैश लगाना था, थोड़ा नेचुरल लुक देना है और ये भी चेक करना था कि आईलैश इसके ऊपर कितने अच्छे से
मतलब अप्लाई हो जाता है। फर्स्ट मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो निकल गया। और बहुत टाइम से मैंने ट्राई किया, मैंने एटलीस्ट 4-5 मिनट से ज़्यादा ट्राई किया, शायद मैं ही अच्छे से नहीं कर पा रही थी या फिर उस पे ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी तो आप उसके जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। तो फाइनली हो गया और मैंने दूसरा भी मैंने सेम उसी तरह टाइम लेके कंप्लीट कर लिया। ये रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा था आईलैश अप्लाई करने के बाद, एकदम 3D इफ़ेक्ट, और लग ही नहीं रहा था कि मतलब अलग कुछ लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। सेम आईब्रो पे मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ और उसको हाथों से ब्लेंड करके देख रही थी कि ब्लेंड होता है या नहीं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। इनर कॉर्नर पे भी मैं हाईलाइट कर लूँगी एकदम जो लुक मैं चाहती थी एकदम सेम लाने के लिए। और नीचे मैं क्या कर रही हूँ, नीचे तो आईलैश है नहीं, मेरे पास कोई आईलैश भी नहीं था अलग से, और मैं कट करके अप्लाई नहीं करने वाली थी, तो मैंने आईलाइनर से ही जो लोअर लैश है उसको ड्रॉ कर लिया। इससे बहुत ही अच्छा लुक आया है, आप देख सकते हैं। आपको अगर ये वाला आई मेकअप अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा नोज़ है यहाँ पे तो नोज़ को कंट्रोल करना तो बनता था, तो मैंने यहाँ से साइड से नोज़ को अच्छे से कंट्रोल किया हुला के ब्रॉन्जर से। आप कोई भी कंट्रोल पाउडर से कर सकते हैं या फिर आई शेडो से भी कर सकते हैं ब्राउन। नेक्स्ट मैंने मैक का हाइलाइटर लिया है और वाव, इतने अच्छे से हाइलाइटर भी इस पर अप्लाई हो गया था। तो ये रहा फाइनल लुक। आपको लुक अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारा। नेक्स्ट मैं रिमूव करने वाली थी जो लिक्विड दिया था उसके साथ पे, क्योंकि रिमूव करके भी तो दिखाना था कि इसको रीयूजेबल होता है या फिर कोई स्टेन छोड़ता है या नहीं इतने सारे मेकअप का। तो मैंने जो ईयरबड होता है मैंने उस पर लिया था, क्योंकि मैं टिश्यू पे लेके प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बट इतने अच्छे से वो रिमूव कर रहा था और बाय गॉड वो कोई स्टेन भी नहीं छोड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि दूसरे प्रोडक्ट से ट्राई करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट थोड़ा सा ही था। तो मैंने गार्नियर का जो मिसलर वाटर है मैंने वो ले लिया, बट उससे जब मैं रिमूव कर रही हूँ देखिए एक स्टेन है। और मैंने सेम जो पहले वाला ईयरबड पे प्रोडक्ट था जो दिया गया था उससे कर रही हूँ, देखिए एक भी स्टेन नहीं छोड़ रहा, इतने अच्छे से वो रिमूव हो रहा है, बट मिसलर वाटर से उतना अच्छे से रिमूव नहीं हो रहा था। तो रिमूव करने से पहले मैंने आईलैश को निकाल लिया है और अब मैं एक मेकअप रिमूवर वेट टिश्यू से मैं क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, मुझे देखना था कि उससे भी रिमूव होता है या नहीं। बट ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इसको रिमूव करने में। लग सकता है कि रिमूव हो रहा है बट मैं बहुत ज़्यादा घिस रही थी उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा था तब जाके प्रोडक्ट उसमें से निकल रहा था। बहुत ही टाइम लगा मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम जो लिक्विड दिया था इसके साथ ही उससे करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छे से रिमूव हो रहा था, बट इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था और मेहनत भी। तो सेम मैं उसी लिक्विड के साथ फिर से आ गई और अच्छे से मुझे इसी से ही क्लीन कर रहा था। आप देख सकते हैं एक स्वाइप कर रहे हैं और क्लीन हो जा रहा है। तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं टिश्यू से फिर से अच्छे से क्लीन करूँ तो क्लीन हो गया है। तो ये आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।